यद्यपि भगवान को सृष्टि पालन तथा संहार के किसी कार्य से सरोकार नहीं लेता, लेकिन वे इन सारी वस्तुओं को अपने अंश परमात्मा द्वारा कराते हैं। तो स्वयं भगवान को ही झंझट में आने की जरूरत नहीं। भगवान को क्या करना है, जो पहले हमने पढ़ा, आनंद करना है, भक्तों के साथ आनंद करना एकमात्र कार्य। अब सृष्टि की है, जीवों के कर्तृत्व के अनुसार उनको फल भी देना है, जीवों की सारी सृष्टि को भी देखभाल करनी है। तो भगवान ने खुद उस झंझट में नहीं आते, खुद क्या करते, मजा करते और एक परमात्मा रूप जो है उसको भेज दिया कि जाओ तुम सृष्टि का सारा काम वाम देखो। तो वो भगवान का अंश है और इन यह बता पालन तथा संहार के लिए, लेकिन वे इन सारी वस्तुओं को अपने अंश परमात्मा द्वारा कराते हैं। पिछले जन्म में उसने क्या किया था, उसके अनुसार उसको क्या बनाना है, किस जगह पे जाना है। वो भगवान को साली खाली है ना, किसमें इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट है, हाँ अपने भक्तों में इंटरेस्ट है और किसी में नहीं है। वो सारे काम अपने अपने जो भी हो रहे हैं वो परमात्मा के द्वारा करवाते हैं।